चलिए फटाफट फड़ से बीजेटी के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं एक से लेके जितने भी होंगे इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड्स ऑफ द बीजेटी इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है बीजेटी से रिलेटेड तो यहाँ पे लिखा है द बेस विथ मस्ट बी डिजाइन टू बी मच लार्जर देन द माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ द बेस विथ मस्ट बी डिजाइन टू बी मच स्मॉलर देन द माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ द बेस रीजन शुड बी हैवीली भी द बेस रीजन शुड बी डुब्ड मोर देन ए मीटर तो अगर हम लोग डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें फटाफट से तो आपको ये पता होना चाहिए कि डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा एमिटर का होता है उसके बाद हमारे पास बेस का होता है और उसके बाद हमारे पास कलेक्टर रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन होता है तो ये आपका सीक्वेंस है जिसमें हाईएस्ट से लेके लोएस्ट डोपिंग कंसनट्रेशन है तो बेस रीजन की डोपिंग कंसंट्रेशन कभी भी ए से ज्यादा नहीं हो सकती बेस रीजन शुड बी डोप्ड मोर देन ए द बेस रीजन शुड बीविलीजन कभी भी हैविली डोप्ड नहीं हो सकता द बेस विर्थ मस्ट बी डिजाइन टू बी मच स्मॉलर देन द माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब आप एक बीजेटी एक को डिजाइन करते हैं तो उसकी डिजाइन में कुछ पैरामीटर्स ऐसे है जो आपको केयर करना पड़ता है जैसे कि बेस रीजन का जो विर्थ है उसको सबसे छोटा रखना पड़ता है रीजन ये है कि आपको ना एक वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स डिजाइन करना है डेफिनेटली अगर आपको एक वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स डिज़ाइन करना है तो इसमें ना एमीटर जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है और ये आपके पास एमीटर जंक्शन है अगर मैं बोलूँ कि ये एमीटर है ये बेस है और ये कलेक्टर रीजन है तो ये आपका एमीटर टर्मिनल है इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाए हैं इसका मतलब ये है कि यह आपके पास पी रीजन है ये एन रीजन है और ये आपके पास पी रीजन है राइट तो आपने यहाँ से होस को इंजेक्ट किया है अब ये होस जो है वो इस रीजन में रिकम्बाइन री होगा जब ये होल डिफ्यूज होता है और रिकम्बाइन होता है तो ये एक्सपोनेंशियली रिकम्बाइन होता है लाइक like दिस तो हमको ये ज़रूर से चाहिए कि कुछ चार्ज कैरियर जो है वो कलेक्टर रीजन में चले जाए और कलेक्टर रीजन का कंसनट्रेशन या फिर करेंट के मैग्नीट्यूड को अपना वी कैन से दे हैव टू कंट्रीब्यूट कि एमिटर रीजन में जो होल्स गए हैं वो कलेक्टर रीजन के करंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे क्योंकि एमिटर रीजन से जो चार्ज कैरियर्स बेस रीजन में गए ध्यान से समझ जाए एमीटर इजन से जो होल्स बेस रीजन में गए वो किस वजह से गए और कितने गए इसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं लॉ ऑफ जंक्शन और लॉ ऑफ जंक्शन हमको ये बताता है कि जो चार्ज कैरियर्स एमीटर से बेस रीजन में गए डेट इज़ पी इन एन रीजन जंक्शन को क्रॉस करके उसका कंसनट्रेशन पी एन नॉट ई रेस टू वी एमीटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाई वी टी होता है इससे हमको ये पता चल गया कि जो होल्स आपके एमीटर से बेस में गए हैं वो एमीटर टू बेस वोल्टेज पे डिपेंड करता है और एमीटर टू बेस वोल्टेज ये वाला है अब अगर यही एमीटर टू बेस वोल्टेज से जाने वाले होल्स अगर आपके कलेक्टर रीजन के करंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो डेफिनेटली आप ये बोलेंगे कि कलेक्टर रीजन डिपेंड करता है इज़ द फंक्शन ऑफ एमीटर टू बेस वोल्टेज और हमको यही चाहिए कि आपका आउटपुट करेंट इनपुट वोल्टेज का फंक्शन हो जिससे हम वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स बना सके और जब हम वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स डिज़ाइन कर देंगे तो ये जो है ये एम्पलीफायर कहलाएगा लेकिन इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बेस रीजन का है अगर बेस रीजन का थिकनेस ज़्यादा होगा तो ये जितने भी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज़ होके आए हैं ये सभी रिकम्बाइन हो जाएंगे बेस रीजन में ही और कोई भी चार्ज कैरियर्स कलेक्टर रीजन में रीच नहीं कर पाएगा इसी वजह से हम बेस रीजन की थिकनेस को कम से कम रखते हैं ताकि बेस रीजन में जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है बेस के एरिया में जो आपका डिप्लीशन रीजन बनेगा कब जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे कलेक्टर जंक्शन को तो ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा इसके रिवर्स बायस होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली आपके कलेक्टर करेंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने में बेस रीजन के मीटर रीजन के चार्ज कैरियर्स को यूटिलाइज करेगा ये बेसिक आइडिया है अगर इसमें कुछ भी बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे फिर से पिन कर सकते हैं आई विल गिव यू द आंसर करेक्टली ठीक है ये हो गया रिवर्स बायस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये आपका कलेक्टर टू बेस ठीक है ये आपका कलेक्टेड टू बेस रिवर्स बाय ठीक है तो ये जो है ये आपका डिफ्यूजन लेंथ है कहाँ से कहाँ तक ये डिफ्यूज होना यहाँ से चालू हुआ ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज नथिंग बट द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ फोर्स और ये जो है ये आपका बेस का विर्थ है डब्ल्यू बी ये आपका बेस का विड़थ है ठीक है ये जो छोटा सा पार्ट है ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको दिखेगा ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये यहाँ पे एंड हुआ है ये आपका बेस का विथ्थ है आप देखिए बेस का बहुत कम है आपके डिफ्यूजन लेंथ से ऑफ द होल से तो ये प्लानिंग करके रखा जाता है ताकि हम कलेक्टर करेंट को एमिटेड टू बेस वोल्टेज का फंक्शन बना सके जिससे हम वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स डिजाइन कर सके और वही एम्पलीफायर बनेगा ठीक है ये प्लानिंग बेसिक प्लानिंग है इसको करना ही पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं बोला जा रहा है कि इन्हें यूनिफॉर्मली डुब्ड बीजेटी एज्यूम डेड एनी एनबी एंड एनसी आर द एमीटर बेस एंड कलेक्टर डोपिंग इन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूबर एक्सपेक्टिवलीफ दर इंजेक्शन एफिशियं ऑफ बीजेटी इज़ क्लोज टू यूनिटी, विच वन ऑफ़ फॉलोइंग कंडीशन ट्रू। यहाँ पे हमारे पास तीन रीजन्स है और इन तीन रीजन्स में ठीक है तो यहाँ पे पोल देना है क्या ठीक है तो इस क्वेश्चन का मैं पोल दे देता हूँ और पोल में मेरा आंसर जो है वो मैं कर देता हूँ आप अपने आंसर को बताइए फटाफट से हालांकि इसका आंसर तो मैं बता चुका हूँ सायर का आंसर आ चुका है एनी वन दोज वन टू आंसर दिस क्वेश्चन इस क्लास में कोई ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है तो यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का पोल आया है और और रिड्यूस हो गया है थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री हो गया और कुछ स्टूडेंट्स ने इसको आंसर किया है कुछ ने इसको आंसर किया है कुछ ने इसको आंसर किया है अभी अभी मैंने ये वाला कंडीशन ना आपके सामने लिखा भी था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमिटर रीजन की डोपिंग सबसे ज़्यादा है उसके बाद बेस की डोपिंग और उसके बाद कलेक्टर की, की डोपिंग और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है डेट इज़ ऑप्शन बी ठीक है तो जिनका गलत हुआ है वो सुधार लेंगे सबसे ज्यादा डोपिंग आपके एमिटर रीजन का होता है सेकेंड डोपिंग आपके पास बेस रीजन का होता है सर थर्ड डोपिंग आपके पास कलेक्टर रीजन का होता है और जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने इस बात को यहाँ पे लिखा है क्लास ऑफ है तो आप लोग आंसर कैसे कर रहे हैं भाई क्लास ऑफ कैसे है बफर हो रहा है क्या नो चल रही है पर बफर हो रहा है क्लास में सर शायद न्यू अपडेट आया है जिसकी क्लास बार बार बैक हो रही है अच्छा शायद तुम्हारा क्लास सही चल रहा है डिले है थोड़ा सा ठीक है सभी के सिस्टम में थोड़ा अलग अलग चार टाइप का हो रहा है क्या मेरे एंड से तो मैंने सही चालू किया क्लास को अच्छा ठीक है थोड़ी देर और चेक कर लेते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है एनी एन बी एनसी आर बेस एंड कलेक्टर डोपिंग इन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली इफ द इमीटर इंजेक्शन एफिशियंसी क्लोज टू यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू तो यहाँ पे अगर हम लोग इमीटर इंजेक्शन एफिशियंसी को देखें तो उसका नोटेशन जो है वो गामा स्ट्रिक से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आई पी ई डिवाइडेड बाई आई पी ई प्लस आई एन ई होता है अगर आपके पास पी एन पी टाइप का ट्रांजिस्टर है तो है ना और अगर इसी की बात करें तो ये आई एन ई डिवाइडेड बाय आपके पास आई पी ई प्लस आई एन ई का एडिशन हो जाएगा अगर आपके पास एन पी एन टाइप का ट्रांजिस्टर है तो ठीक है तो ये दो कंडीशन है तो एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी अगर वन दिया गया है तो इसका मतलब है आई पी ई डिवाइडेड बाय आई पी ई प्लस आई एन ई का एडिशन जो है वो आपके पास वन दिया गया है इसका मतलब ये है कि आपके पास आई पी ई जो है वो आपके आई पी ई प्लस आई एन ई के एडिशन के बराबर है ठीक है प्लस आई एन ई के एडिशन के बराबर है इसका मीनिंग ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब आप ये बात करेंगे मैंने यहाँ पे पी एन पी के लिए लेके वन कर दिया जो कि गिवन था ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है कि एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी की वैल्यू वन है तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप ये माने कि आई एन ई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है

In comparison to emitter, comparison to emitter, emitter से compare करके बस यही बात बात बोलना ठीक है? तो यह बात हम लोगों ने इसी इसी ऑप्शन में देखा क्योंकि emitter की बेस से बहुत ज्यादा है बेस्ड ऑन जो कंडीशन दिया गया है एमीटर एफिशियंसीट इज क्लोज टू यूनिटी इस बेसिस पे तो ये आपका करेक्ट हो गया राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है फॉर ए नैरो बेस बीजेटी द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन डेल्टा एन ई फॉर एमटर डेल्टा पी बी फॉर बेस डेल्टा एन सी फॉर कलेक्टर टू माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन तो यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यूज कुछ दी गई है इन द क्वासी न्यूट्रल एमीटर बेस कलेक्टर रीजन सोनबिला बायसिंग मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन तो यहाँ पे कौन सा बायसिंग है चलिए पोल कर लेते हैं और पोल में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं मैं अपना आंसर दे चुका हूँ आपके लिए पोल अवेलेबल है यू कैन आंसर योर ठीक है तो फटाफट से आंसर कीजिए राहुल का आंसर मुझे मिल गया है आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे न, अच्छा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दोनों में मिल गया है ठीक है सो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि इस सेचुरेशन का है कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि इन्वर्स एक्टिव है और राहुल ने इसका सही आंसर दिया है कि ये जो है ये इन्वर्स एक्टिव रीजन में है ठीक है तो सही बात है ये इन्वर्स एक्टिव रीजन में है और ये इन्वर्स एक्टिव रीजन में है इसके लिए आपको एक्टिव रीजन के बारे में जानना पड़ेगा जब भी हम किसी बीजेटी को बायसिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन आते हैं जैसे कि हम अगर मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें और उसके अनुसार एमिटर बेस और कलेक्टर की बात करें और उसके एप्लीकेशन की बात करें तो आपको ये क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये चार होते हैं पहला है हमारे पास एक्टिव मोड होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दूसरा है हमारे पास सेचुरेशन मोड होता है तीसरा हमारे पास कट ऑफ मोड होता है ठीक है कट ऑफ मोड होता है और चौथा हमारे पास इनवर्स एक्टिव मोड होता है ये चार मोड हमारे पास होता है अगर इन्वर्स एक्टिव मोड की बात करें तो इसका मतलब है एक्टिव मोड से बिल्कुल उल्टा तो यहाँ पे एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन की बायसिंग होती है और हम ये भी देख सकते हैं कि इस बायसिंग में इसका एप्लीकेशन क्या है ठीक है तो एमिटर जंक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है इस मोड में आप एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे सेचुरेशन मोड फॉरवर्ड बायस होता है ये भी फॉरवर्ड बायस होता है इस मोड में आप ऑन स्विच को डिज़ाइन कर सकते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए जहाँ पे भी डाउट आया आप पूछ लीजिएगा यहाँ पे आपके पास रिवर्स बायस होता है ये भी रिवर्स बायस होता है और इस मोड में क्योंकि रिवर्स बायस है तो आपका दोनों जंक्शन जो है वो ऑफ कंडीशन में चला गया और आप यहाँ ऑफ स्विच डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक अगर इन्वर्थ एक्टिव की बात करें तो ये आपके पास रिवर्स बायस है ये फॉरवर्ड बायस है और इस मोड में आप एटीनियड डिजाइन कर सकते हैं एटीनियड डिजाइन कर सकते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मोड में जब आप माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को डिजाइन करेंगे अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स को लिया है नॉर्मलाइज एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन ठीक है तो मतलब जो चार्ज कैरियर इंजेक्ट हुए हैं उसके बारे में ये बोल रहा है तो यहाँ पे आपके पास दो जंक्शन है एक एमिटर जंक्शन और एक कलेक्टर जंक्शन ये हम लोगों ने ले लिया अगर आप एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं ठीक है ये जो है ये आपके पास एमीटर जंक्शन है इसको अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर जंक्शन को आप अगर रिवर्स बायस करते हैं तो इस कंडीशन में आपके पास माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का ये ये जो है ये आपके पास दिस इज़ नथिंग बट माइनॉरिटी कंसंट्रेशन माइनॉरिटी कंसंट्रेशन जिसको आप एक्सेस कंसंट्रेशन के नाम से भी एक्सेस कंसंट्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं ठीक है इसका यूनिट है पर सेंटीमीटर क्यूब और वाई एक्सिस में पर सेंटीमीटर क्यूब में ये रिप्रेजेंट हुआ है तो इस कंडीशन में अगर आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ये पी है ये एन है और ये पी है तीनों रीजन के बारे में बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी इतना है बेस रीजन में मान लीजिए इतना है और कलेक्टर रीजन में मान लीजिए इतना है क्यों ऐसा किया जा रहा है क्योंकि एम की डोपिंग कंसनट्रेशन आपकी सबसे ज़्यादा है उसके बाद बेस की और उसके बाद कलेक्टर की तो बेस्ड ऑन दिस जिसका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहाँ पे माइनॉरिटी कंसन्ट्रेशन सबसे कम होगा तो एन ई की वैल्यू आपके पास एन बी की वैल्यू से ज़्यादा है और ये कलेक्टर रीजन है ना तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मतलब ये जो आपका बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक दिस इज नथिंग बट एन इन पी रीजन एट थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी कैन से एन ए ये हम करेंगे और ये जो एन ए है ये एक्चुअली एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ई की वैल्यू है तो यहाँ पे आपको ये पता है कि एन ई लार्ज क्वांटिटी में है तो एन ई की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हैं तो एन पी नॉट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बस इसी बात पे हमारे पास ये जो एन पी नॉट है इसकी वैल्यू बहुत कम है ये जो है ये वैल्यू आपके पास पी एन नाट की है जो कि थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर ये वापस से एन पी नाट की वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की डोपिंग कंसनट्रेशन या फिर एन सी की वैल्यू सबसे कम है राइट right? तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे आपके काम आएगा जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से चार्ज कैरियर्स जाएंगे और ये इस एरिया में जाके रिकम्बाइन हो जाएंगे लेकिन क्योंकि बेस रीजन का विड्थ बहुत कम है तो एक्सपोनेंशियल जो रिकॉम्बिनेशन है उसको हम लोग लीनियरली शो करते हैं लाइक like दिस और क्योंकि एम बेस रीजन की डोपिंग बहुत कम है तो अगर वहाँ के चार्ज कैरियर्स एमिटर रीजन में आते हैं और एमीटर रीजन का लेंथ बेस के कम्पेरिजन में ज्यादा है और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो एमिटर से बेस में आएंगे वो भी कम है तो डेफिनेटली ये एक्सपोनेंशियली रिकम्बाइन होंगे यहाँ पे ये जो चार्ज कैरियर्स आपके आए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है जो पी रीजन में आए हैं और ये जंक्शन को क्रॉस करके आए हैं और इस एरिया में ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं एक्सपोनेंशियली तो आई कैन राइट दिस इज एन ऑफ एक्स ये भी आपका कंसनट्रेशन है जो कि एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है लेकिन लेंथ कम होने की वजह से ये जो है ये लेंथ जो है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं अभी अभी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है जिसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है वो लीनियरली दिख रहा है आपको है ना ये आपके पास कब की बात है जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है इसका मतलब है आप फॉरवर्ड एक्टिव फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं ठीक है और एट लास्ट आपके पास, पास कलेक्टर रीजन है कलेक्टर रीजन क्योंकि आपका ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में जो एवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसनट्रेशन है उसी का ही मूवमेंट होता है तो ये जो एवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसनट्रेशन है ये डिप्लेशन रीजन के वर्थ की वजह से इस तरफ से ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लेशन रीजन भी ड्रा कर देता हूँ अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा कि डिप्लेशन रीजन गया कहाँ तो ये आपके पास डिप्लेशन रीजन है यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है ठीक है और इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं राइट ये हमारा ऐसा हो जाएगा लाइक दिस ठीक है और यहाँ पे हमारे पास दिस विल बी सम लाइक दिस ये हमारा ऐसा हो जाएगा ठीक तो ये ये कंडीशन है एनी वन दोजू आर हैविंग डाउट इन दिस कि आपके पास कौन कौन से चार्ज कैरियर्स कहाँ से आए हैं तो ये जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल है ये भी एक्सपोनेंशियल है लेकिन लेंथ कम होने की वजह से इट इज़ शोन्स टू बी लीनियर और ये जो चार्ज कैरियर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअली होल्स है जो कि एन रीजन में आ गया है और ये विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसका कंसनट्रेशन चेंज हो रहा है ठीक है और ये जो है ये अवेलेबल माइनॉरिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेसिनिटी में आने की वजह से ये स्वीप हो गए तो यहाँ पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई है ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड का बिहेवियर है अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपका कंडीशन है ये इसी का ऑपोजिट बनाया गया है सिर्फ यहाँ पे क्योंकि वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा था इसलिए इस सारे वैल्यूज़ को ना डिवाइड कर दिया गया है जो वहाँ पर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसनट्रेशन की वैल्यू थी उससे ताकि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस थोड़ा सा नीचे आ जाए इसलिए इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है तो जो चीजें मैंने इस तरफ से बनाई थी वही चीजें इस तरफ से बनाऊंगा इसका मतलब है ये आपका कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है और ये एमीटर जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस है अगर ऐसा है तो आपका कंडीशन इन्वर्स एक्टिव का है और ये कंडीशन करेक्ट है अगर आपको चाहिए कि आपको सेचुरेशन और कट ऑफ का भी डायग्राम है क्योंकि एक्टिव और इनवर्स एक्टिव तो आपको दिख गया है अगर आपको सेचुरेशन और कट ऑफ का डायग्राम चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आई विल विल शो अदरवाइज आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इस क्वेश्चन में आपके पास जो चीजें पूछी गई है द पैरामीटर्स फॉर द बेस रीजन इन एन पी एन पी बीजेटी बाय डी एन की वैल्यू ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर है एन बी नॉट की वैल्यू टेन टू दर फोर पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपके पास ए बी ई एमीटर Uh, एमीटर और बेस के बीच में जो एरिया है डेट इज शोन टू बी टेन टू दावर फोर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया की वैल्यू दी गई मैं इसका आंसर जो है क्योंकि आपके लिए पोल कर रहा हूँ इसलिए मुझे आंसर देखना है अदरवाइज हम लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं फटा फटाफट से ठीक है तो जस्ट वेट ए सेकेंड या तो आंसर निकालना पड़ेगा या तो एग्जैक्ट आंसर को हमको देखना पड़ेगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है सो जस्ट वेट अ सेकेंड वी विल टेक दिस क्वेश्चन द पैरामीटर्स दी क्वेश्चन तो कहीं है ही नहीं चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे मैं इसका पोल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो मुझे याद नहीं ठीक है वी विल सॉल्व चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं ये आपके पास है डी एन की वैल्यू ट्वेंटी एन बी नॉट की वैल्यू आपके पास टेन टू दी पावर फोर ए बी ई की वैल्यू दी गई बेस विट इज वन माइक्रॉन वेन द बेस मीटर वोल्टेज इज जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स द कलेक्टर करंट आई सी एज्यूम थर्मल वोल्टेज एट ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट तो यहाँ पे जब आप कलेक्टर करेंट की बात करेंगे तो कलेक्टर करेंट का दो फार्मूला होता है ठीक है आई सी करेंट या फिर एमीटर करेंट इसके लिए दो फार्मूला है डेट इज़ अगर आप इसको आई एस ई रेस टू एमटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बी टी अगर कर ले तो ये एक फार्मूला है इसमें आपको सेचुरेशन करेंट और एमीटर टू बेस वोल्टेज की जरूरत पड़ती है ये आपका फर्स्ट फार्मूला है लेकिन एक और फार्मूला है जिसमें आपको आई एस को एक्सप्लोर करके लिखना पड़ता है जैसे कि अगर आप ये एमिटर करंट करेंट लिख रहा था मैं है ना तो अगर आप कलेक्टर करेंट या फिर एमिटर करंट करेंट दोनों की वैल्यू हम सेम लेते हैं बिकॉज बेस करेंट की वैल्यू को नेगलिजिबल कंसिडर किया जाता है ठीक है दोनों की वैल्यू को हम सेम लेते हैं बिकॉज एमीटर करेंट बेस करेंट की वैल्यू को आईबी की वैल्यू को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो यहाँ पे आई जो है वो एमीटर टू बेस का एरिया ए क्यू डी पी और अगर ये आपके पास पी एन नॉट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी डैश है ना ये आपके पास एफेक्टिव बेस व इन टू इरेस्ट टू एमीटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाई बी ये आपका फार्मूला होता है ठीक है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगने वाला है क्योंकि जो क्वांटिटी आपको दी गई है वो वही है देखिए सबसे पहले बेस बेसेमीटर वोल्टेज की वैल्यू दी गई है यानी कि हमारे पास ये जो वी ई की वैल्यू है ये गिवन है थर्मल वोल्टेज हमको 26 मिलीवोल्ट दिया गया है तो हम वी टी को भी टिक कर देते हैं उसके अलावा डी एन की वैल्यू हमको दी गई है तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो डी एन है ठीक है कोई बात नहीं हमारे पास यही फार्मूला एक और तरीके से लिख सकते हैं क्यू डी एन और उसके साथ एन पी नॉट डिवाइडेड बाय डब्लू बी डैश और ये हो जाएगा एमीटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बी टी ये जो है ये पी एन पी टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए ये जो है ये एन पी एन टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए ठीक है ये दोनों कंडीशन मैंने आपको लिख दिया तो ये डेफिनेटली आपके पास एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है इसीलिए आपका ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है ठीक है तो हमको एमिटर टू बेस का एरिया भी दिया गया है टेन टू पावर फोर डेट मीन्स दिस की वैल्यू इज़ गिवन क्यू की वैल्यू हमको ज़रूरत नहीं पड़ती अब हमको यहाँ पे डी एन की वैल्यू गिवन है तो ये देखिए डी एन की वैल्यू गिवन है एन पी नॉट मतलब माइनॉरिटी कैरियर कंसनट्रेशन की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ये दिया गया है एन बी नॉट के नाम से तो ये वैल्यू भी आपको दिया गया है और बेस का विड्थ अल्टीमेटली हमको चाहिए और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेस का विड्थ भी दिया गया है डेट इज़ वन माइक्रॉन तो टेंशन किस बात की बेस का विड्थ भी दिया गया है सभी वैल्यूज दिया गया है तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्टर करेंट की वैल्यू आ जाएगी बस हमको वैल्यूज पुटअप करना है और आंसर निकालना है सेवनटीन मिली एम आ रहा है क्या चेक करेंगे चेक करके बताएंगे तो यहाँ पे मीटर टू बेस वोल्टेज ए, एरिया जो है आपके पास टेन टू द पावर फोर है तो मैं सबसे पहले टेन टू दावर फोर पुटअप किया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन पुटअप कर दिया यहाँ पे डी एन की वैल्यू है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे डी एन की वैल्यू ट्वेंटी लिख दिए और क्या दिया गया है और आपके पास डब्लू बी डैश इफेक्टिव बेस विड्थ की वैल्यू यहाँ पे वन माइक्रोन दिया गया है मतलब वन इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस फोर वन माइक्रोन मतलब वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स होता है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो टेन टू द पावर माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ पे ई टू दावर ए जीरो पॉइंट सेवन है डिवाइडेड बाय आपके पास ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट है मतलब जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स वोल्ट चलिए सारे वैल्यूज मैंने पुटअप कर दिए अब आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताएं यहाँ पे ये वैल्यू मैंने पुटअप किया ट्वेंटी डी एन का एन पी नॉट मैंने नहीं पुटअप किया एन पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे टेन टू दावर फोर है सो इन टू टेन टू द पावर फोर भी लगा देते हैं ठीक है अब कंप्लीट हो गया चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट से ये फार्मूलाज दो है आपको याद रखना है अदरवाइज़ आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा चाहे आपको एमिटर करंट या फिर कलेक्टर करंट कुछ भी पूछा जाए तो क्या इसका आंसर सेवनटीन मिली एम्पेयर आ रहा है क्या इसका आंसर सेवनटीन मिली एम्पेयर आ रहा है यदि हाँ तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है यदि नहीं तो बताएंगे आप इसका आंसर क्या आ रहा है एनी आंसर फ्रॉम योर साइड आपकी तरफ से आप इसका क्या आंसर बोलना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते है? कि कैलकुलेटर से ही फाइट करेंगे फिफ्टीन पॉइंट सेवन यस अगर ये फिफ्टी पॉइंट सेवन आ रहा है तो उसका नियरेस्ट वैल्यू यही है सेवनटीन मिली एम्पियर यस इसका एग्जैक्ट आंसर फिफ्टीन पॉइंट सेवन ही है ठीक yes, है द करेक्ट आंसर इज फिफ्टीन पॉइंट सेवन मिली एम्पियर चलिए आगे बढ़े फॉर्मूलाज याद है ना कुछ भी यहां से पुट करना मत छोड़ना नहीं तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा ओके सायर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है इन ए बायपोला ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर द एमीटर करंट इज डबल द वोल्टेज अक्रॉस द बेस से जंक्शन तो अगर एमीटर करंट की वैल्यू डबल कर दिया जाए तो बेस सेमीटर जंक्शन का वोल्टेज कितना हो जाएगा तो ये इसके चार ऑप्शन है है ना तो यहाँ पे हम लोग पोल कर लेते हैं पोल में मैं अपना आंसर दे देता हूँ ठीक है यहाँ पे भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी मीटर करेंट की वैल्यू को डबल कर दिया गया है ठीक है तो इसका आंसर सी है जो कि सायर ने किया है बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी आंसर किया है मे बी डेट इज नॉट करेक्ट तो यहाँ पे एमीटर करेंट का जो फार्मूला है वो आपके पास आई एस ई टू पावर एमीटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाई बी टी ठीक है ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर इफ द एमीटर करेंट इज डबल्ड तो ये जो इमीटर करंट है इसकी वैल्यू डबल कर दिया गया है डिवाइडेड बाय दिस आई एस दोनों तरफ बराबर है और यहाँ पे ई टू दी पावर एमीटर टू बेस वोल्टेज जिसको आपको निकालना है डिवाइडेड बाय बी टी और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एमीटर टू बेस वोल्टेज वन डिवाइडेड बाई बी टी ये आपका फार्मूला हो गया ठीक है ये आई एस जो है ये अप्लाइड वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता तो आई एस आई एस दोनों का सेम है मैंने कैंसिल आउट कर दिया ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे टू इन टू ई टू दावर एमीटर टू बेस वोल्टेज जो कि फर्स्ट का है डिवाइडेड बाई बी टी इज इक्वल टू ई टू पावर एमीटर टू बेस वोल्टेज जो सेकेंड का है डिवाइडेड बाई बी टी उससे अच्छा तो ये कर लो कि इसको सब्सक्राइड कर लो ज़्यादा अच्छा है आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे टू इज इक्वल टू ई टू दावर एमीटर टू बेस वोल्टेज टू माइनस एमीटर टू बेस वोल्टेज वन डिवाइडेड बाई वी टी ये आपका फार्मूला हो जाएगा अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ टू इज इक्वल टू यहाँ पे एमीटर टू बेस वोल्टेज का है माइनस एमटर टू बेस वोल्टेज आपके पास वन का है डिवाइडेड बाई वी टी हो जाएगा यहाँ पे अगर आपके पास एमटर टू बेस वोल्टेज टू का फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास एमिटर टू बेस वोल्टेज का है प्लस वी टी एल एन ऑफ टू ये आपका फार्मूला हो जाएगा एमिटेड टू बेस वोल्टेज वन का कितना है पता नहीं कितना है तो हम बस इतना लिख देते हैं कि है भैया कुछ ना कुछ प्लस बी टी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स एल एन ऑफ टू अगर हम लोग करते हैं तो ये लगभग आपके पास emitter टू बेस वोल्टेज वन का प्लस यहाँ पे एटीन आ जाएगा एटीन मिली वोल्ट के आसपास आ जाएगा जो कि emitter टू बेस वोल्टेज टू का है तो इससे हमको ये पता चलता है कि आपका एमिटर टू बेस वोल्टेज टू का एमिटर टू बेस वोल्टेज वन से प्लस एटीन मिली वोल्ट ज्यादा है तो यहाँ पे नियर अबाउट वैल्यू जो है वो ट्वेंटी मिली वोल्ट दिया गया है इंक्रीज बाय दिया गया है। इसलिए हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं ना तो ये हाफ हुआ ना तो ये डबल हुआ ना तो ये डिक्रीज हुआ तो इन तीनों को हम हटा देते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन एट आ गया है इसका मतलब है एटीन मिली वोल्ट आ रहा है ठीक है ना तो ये आपका फार्मूला है ये फार्मूला को मैंने अभी अभी बताया था बस उसी फार्मूले को हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगा दिया ये वाला फार्मूला चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन एस वन एंड एस टू इफ द बीटा ऑफ ए बाईपोला ट्रांजिस्टर रिड्यूसेस इफ द बेस वीट इज इंक्रीज द बीटा ऑफ ए बाईपोला ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज द बेस रीजन इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे जो है वो बेस वर्थ की बात कर रहा है बीटा जो है वो आपके पास कॉमन एमीटर का करेंट गेन होता है कॉमन एमीटर का करेंट गेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से ठीक है तो बीटा जो है वो आपके पास कलेक्टर करेंट डिवाइडेड बाय बेस करेंट का रेशियो है ठीक है अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अर्ली अफेक्ट के रही तो यहाँ पे ये बोल रहा है बीटा ऑफ ए बायपोला ट्रांजिस्टर रेड्यूसेस इफ द बेस विर्थ इज इंक्रीज अगर आप बेस के विर्थ को इंक्रीज करेंगे पहला क्वेश्चन भी आपका इसी के भी बेसिस पे था अगर आप बेस के विर्थ को इंक्रीज कर देंगे ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर है ये वाला और इस ट्रांजिस्टर में अगर आप बेस का विथ को इंक्रीज कर देंगे मान लीजिए मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ तो जितने भी चार्ज कैरियर्स आपके ये जंक्शन के फॉरवर्ड बायस करने से आपके पास एमीटर से बेस रीजन में जाएंगे वो सारे के सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे कलेक्टर में कुछ भी रीच नहीं कर पाएगा इसका मतलब है आप वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स नहीं बना पाएंगे तो इसी वजह से हम ये जो बेस रीजन के व्रत को रिड्यूस करके रखते हैं ताकि कुछ ऐसे चार्ज कैरियर्स जो यहाँ पे रिकम्बाइन नहीं हो पाए बेस रीजन में वो कलेक्टर रीजन में पहुँच जाए और अल्टीमेटली वो कलेक्टर के करंट कंट्रीब्यूशन में हेल्प करे ताकि आप बोल सके कि आपने एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बनाया है जो कि में काम आता है। तो बीटा तो अगर हम बीटा को ऐसा लिखें तो बेस इंक्रीज करने से आपका बेस का करेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि अभी बेस में कंसंट्रेशन कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है अगर बेस का बढ़ जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा बेस का करंट का मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा जो कि एक्चुअली में हमको लो चाहिए अगर बेस का करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो बीटा की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ये बात लिखना चाहिए द बीटा ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर रिड्यूस इफ द बेस इज इंक्रीज तो ये बात लिखा गया है यानी कि स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है दूसरी बात ये बोल रहा है ठीक है ये आई बी करेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर बेस विथ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो बीटा की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी द बीटा ऑफ ए बायपोला ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस इफ़ द डोपिंग कंसनट्रेशन इज द बेट रीजन इंक्रीज अगर बेस रीजन की डोपिंग कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो बेस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो बेस का करेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वहाँ पर बीटा की वैल्यू फिर से रिड्यूस हो जाएगी तो बीटा ऑफ ए बायपोला ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस लिखा गया है जो कि गलत बात है इफ द कंसंट्रेशन इज बेस रीज़न इंक्रीजेस तो ये जो इंक्रीज लिखा गया बस यही स्टेटमेंट गलत है अगर ये इंक्रीजेस नहीं लिखा होता तो हमको फायदा होता स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही होता लेकिन अब स्टेटमेंट वन इज ट्रू है और स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एनी डाउट चलिए अगर आपको डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे जहाँ पे भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आंसर कर रहे हैं चलिए हम यहाँ पे लेते हैं द न्यूट्रल बेस ऑफ ए बेसोलर ट्रांजिस्टर बायस इन एक्टिव रीजन इज जीरो पॉइंट तो यहाँ पे आपके पास ये जो है बेस की विड़थ दी गई है डेट इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इन टू टेन टू दावर ऑफ माइनस फोर सेंटीमीटर ये कन्वर्जन करके लिख दिया द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन का मतलब है कि बेस रीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एमिटर रीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में जा रहे हैं तो ये हमको ये वाली वैल्यू बताता है अगर ये एन पी एन तक एन पी एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अगर पी एन पी है तो ठीक है तो मैं यहाँ पे एन पी एट ज़ीरो डिस्टेंस पे कर लेता हूँ डेट इज इक्वल टू टेन टू द पावर फोर्टीन ये आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन है अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं तो ये आपके पास ये बना हुआ रीजन है तो आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखेगा ये आपके पास मान लीजिए ये बेस रीजन है तो ये जो है ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको इस पोजीशन में दिखेगा दिस इज एन पी एट ज़ीरो अगर आपके पास एन पी एन टाइप का ट्रांजिस्टर है तो ठीक है और यहाँ पे आपके पास मिनिमम कंसंट्रेशन होगा ये जीरो डिस्टेंस है और यहाँ पे आपके डब्लू बी डिस्टेंस ठीक है तो हमारे पास ये एन पी नॉट की वैल्यू दी गई है इन द बेस रीजन टेन टू दिन एंड डी एन की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है डेट इज डी एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू डेट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक है रेस्पेक्टिवली एज एजूमिंग नेग्लिजिबल रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन बेस रीजन में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है चलिए हर बार तो यही होता है द कलेक्टर करेंट डेंसिटी यहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू आपको पूछी जा रही है देखिए कलेक्टर करेंट जो है वो एक्चुअली आपका डिफ्यूजन करेंट है क्योंकि एमीटर करंट आपका डिफ्यूजन करेंट है इसलिए ठीक है क्योंकि कलेक्टर करंट एमीटर करंट के बराबर है तो एक्चुअली में हम एमीटर करंट की वैल्यू ही निकालेंगे अगर बेस करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो तो एमीटर करंट के लिए आपको डिफ्यूजन करंट में यहाँ पे Q डी एन डी एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ पे करेंट डेंसिटी पूछा गया है तो ये इस ए को हटा दीजिए और यहाँ पे जे लिख दीजिए ठीक है ये चेंजेस आपको करते आना चाहिए और ये आपका तीसरा फार्मूला है देखिए पहला फार्मूला आपने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला ये दूसरा फार्मूला और इन दोनों का जनक जो है वो ये वाला फार्मूला है तीन फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो आनंदमयी हो जाएगी ये वाला फार्मूला इसी से बाकी दोनों फार्मूलेज आए हैं ठीक है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप करना है क्योंकि वैल्यून पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन है डी एन की वैल्यू आपके पास डी एन कितना है डी एन डी एन डी एन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हम लोगों ने लगा दिया और ये जो है इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा चेंज इन कंसंट्रेशन क्योंकि लीनियरली चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली सब्सट्रिक्शन आप लिख सकते हैं डेट इज ये जो एन पी नॉट है ये आप लिख लीजिए माइनस यहाँ पे आपके पास जीरो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय ये जीरो से स्टार्ट हुआ है माइनस डब्ल्यू बी डैश तक गया है ठीक है ये आपका डिफरेंस है तो हमारे पास ये जो मीटर का करेंट डेंसिटी है या फिर कलेक्टर की करेंट डेंसिटी है दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन डी एन की वैल्यू आपके पास ट्वेंटी फाइव है और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं एन पी नॉट की वैल्यू ये एंड द डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट इन द बेस रीजन आर टेन टू दावर फोर्टीन ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन की वैल्यू है जो कि टेन टू पावर फोर्टीन है यहाँ पे माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस हम लोगों ने w की वैल्यू को निकाल के रखा होता है जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस फोर सेंटीमीटर तो ये जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस फोर हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ तो इसका आंसर एक नेगेटिव वैल्यू आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो अगर आपका आंसर यहाँ पे माइनस एट एम्पेयर आ रहा है तो डेट इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे एट एम्पेयर आ रहा है नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है यह आपका करंट का डायरेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की, की वजह से इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस की जाने की वजह से ही आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आंसर आ रहा है आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी तो आज का सेशन यहीं तक कल के सेशन में हम मिलते हैं